Well, the horrific incident in Tarn Taran where a woman was manhandled, beaten up mercilessly by policemen. In fact, that lady now joins us for an account of what really happened. Ma'am, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए इस समय. हम वो visuals अभी भी देख पा रहे हैं जो 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 हमारे टीवी चैनल में हम चला रहे हैं, जो आपके साथ व्यवहार किया गया. आप हमें सबसे पहले बताएं आराम से कि हुआ क्या था उस समय, आप क्यों बात करने गए थी पुलिस वालों से, क्या कहा आपने उनसे और क्यों मारा उन्होंने आपको जिस तरीके से उन्होंने आप लगा पिटाई करी आपकी. सर, मैं अपनी मौसी जी के बेटे, मेरा कजन लगता है, उन्होंने मैरिज तक गई हुई थी. उन्होंने मैरिज वधिया नहीं बढ़ गया, उस समय कुछ लड़कियां ने मैनू छेड़छाड़ की मेरे न. मैं अपने ब्रदर और फादर ने दसिया कि डैडी जी मेरे न छेड़खानी करते हैं, तुम इन्हों पुछो. तो उन्होंने पूछा तो लड़के गाड़ियों हथियार लैके पै गए, नाले उन्होंने इन्हों व्यवहार किए. तो किसी ने उत्तर पुलिस को फोन किया कि उत्तर लड़ाई होंगी पी पैलेस, पंजाब इंटरनेशनल पैलेस तरन तारण में जाओ. तो वह आए तो मैं वह भज गए मुंडे हथियार लैके कारा से. तो मैंने सोचा कि मैंने हमारे लिए आई है पुलिस. तो मैंने उनको बताया कि सर मेरे साथ वो दुर्व्यवहार कर रहे हैं लड़के, उनको समझाओ जाके, आप पकड़ लो उनको. तो उसका जब उनको तो उन लोगों ने मेरे साथ ही खुद छेड़खानी शुरू कर दी. वो मुझे छेड़ने लगे और मेरी चुनरी उतार के मेरे कांटे उतार लिए. तो मेरे फादर साहब ने कहा कि तुम मेरी बेटी ना इस तरह क्यों करते पे हो. तो उन्होंने मेरे फादर के थप्पड़ लगा के उन्होंने पग शरेआम सड़क के कचोली. मेरे ब्रदर ने आने पूछा तुम मेरे फादर की पग क्यों उतारी. तो उसने भी लाठी चार्ज कर दे पे. तो मैं उन्होंने बचाने की, अपने फादर अपने ब्रदर को बचाने की कोशिश ही कर रही थी कि उन्होंने मैनू भी कुटना शुरू कर दिता, थप्पड़ लगाने शुरू करते, लाठी चार्ज करना शुरू करता. You were speaking to the victim of this inhuman assault, the way she was treated. She's trying to relive that horror which she suffered. आप कह रही हैं कि पुलिस वालों ने आपके साथ बदसुलूकी करी, आपके साथ छेड़खानी करी और आपके पिताजी पर पहले हमला बोला, फिर आपकी पिटाई करी. आपको लगता है कि अब डर लगता है कि कभी भी किसी पुलिस वाले से मदद मांगने में हमेशा दो बार सोचेंगी कि आपको कभी भी कुछ मदद चाहिए हो कहीं तो आप जाने में सोचेंगी, घबराएंगी कि क्या पूछे कि ना पूछे. हम डरे क्यों, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं. हमें आवाज उठानी चाहिए. हम आम लोग इसलिए डरते हैं ना कि सरकारें बनाई हुई उन्होंने. और ये सरकारें किस काम की जब एक एक लड़की की रक्षा नहीं कर सकती, एक लड़की के पिता की पगड़ी की रक्षा नहीं कर सकती, तो ये सरकार कर क्या सकती है. आपकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए. पर ये कुछ पुलिस वालों ने, कुछ सीनियर आला अफसरों ने ये भी बोला कि आपकी पिताजी ने शराब पी हुई थी, उन्होंने थोड़ी धक्का मुक्की करी इसलिए उनको थोड़ा पीछे करने की कोशिश करी. उन्होंने तो अपनी तरफ से इसकी एक पूरी एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करी कि उन्होंने कहा कि हमें तो धक्का मुक्की की थी इसलिए हमने इस तरीके का व्यवहार किया. ये तो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि मैरिज होती है वहाँ पे शराब मीट ये सब तो चलता है, मगर मेरे फादर साहब ने शराब की होगी, मैंने तो शराब नहीं पी ना, मेरी भरजाई ने शराब तो नहीं पीना. और आप जो वीडियो देख रहे हैं उन्हें तो शराब नहीं पी ना. बताइए मुझे कि मैंने शराब पी थी, मैं खुद उनको कहा था कि मेरी चुनरी उतारो. नहीं, हमारा तो कहना है कि अगर उन्होंने शराब पी भी थी तो भी उनको, पुलिस वालों को कोई अधिकार नहीं है कि आपको ऐसी बुरी तरह पीटे. उनका बनता था कि वो आपकी बात सुने. और आपकी हिम्मत की भी दाद देनी चाहिए कि आप कह रही है कि आपको आवाज उठानी चाहिए. इस समय जो सरकार के लोग हैं वो कह रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ होगा, कि आपको लगता है कि उनको अभी के अभी सस्पेंड नहीं, उनको नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए, उनके खिलाफ केस होने चाहिए, उनको उनके खिलाफ एक बड़ी इंक्वायरी, जज के साथ इंक्वायरी होनी चाहिए. दरअसल बात 3 मार्च की है, 5:30 बजे की, और आज 5 मार्च हो चुकी है. अभी तक तो कोई मुख्यमंत्री या सरकार का कोई भी मुलाजम मेरे को नहीं आया, ना किसी ने मैनू इंसाफ देने की कोशिश की है. जिथों तक मैं वेख रही हाँ कोई सरकार मैनू इंसाफ दिलाने दे नहीं, वो सगो मुलाजमान नू ही बचाने की कोशिश कर रही है, मैनू गलत साबित कर रही है. तो आप कह रही है सरकार से 2 दिन बीत चुके हैं जब से घटना हुई, आपसे अब तक किसी ने बात करने की कोशिश नहीं करी, किसी ने
कुछ भी आश्वासन दिलाने की कोशिश नहीं करी कि आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। पर अब आप क्या चाहती हैं अपनी तरफ से, आप अपने लफ्जों में बताएं कि क्या चाहती हैं कि क्या करे सरकार, क्या एक्शन लेना चाहिए इन पुलिस वालों के खिलाफ। मैं एक्शन लेना चाहनी कि डिसमिस जिन्ने भी पुलिस इंस्पेक्टर उत्थे, तो पुलिस मैं दस ही नहीं सकती सब बहुत ज्यादा, पता नहीं किन्नी उत्थे पुलिस आई, मैं किसी के चेहरे नहीं पहचान सकती ना मैं किसी के नाम दस सकती। इदा तुम वीडियो च देखे जिन्ने उन्ने नहीं सी, उत्थे बहुत पुलिस सी, मेरे भावों मेरे रिश्तेदारों को कुट रही सी, इन्नी बेरहमी नाल सानू उन्होंने कुटिया के जो मैं थाने में रिपोर्ट लेके गई तो मैनू उत्थों दे किसी सब इंस्पैक्टर ने जा कोई भी उन्हें मैनू ये अग्गों कहा कि तेरी चुन्नी की कोई इज्जत नहीं है, तेरे बाप की पगड़ी की कोई इज्जत नहीं है, रुलगी तो रुलगी कोई गल नहीं, पर साड़ी वर्दी की इज्जत है, साड़ी वर्दी वाले की इज्जत है, वो रोल सकता है तेरी इज्जत जिदा मर्जी कर सकता है, एदा की मतलब मैनू एदा इंसाफ चाहिए वा। नहीं, आपको इंसाफ चाहिए और हम आपको ये कह दें कि हम आपके साथ हैं और आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आप आपकी इज्जत भी सबसे बड़ी है और उन लोगों को वर्दी दी इसलिए जाती है कि वो आप लोगों की सुरक्षा करें, हम लोगों की सुरक्षा करें। आप कह रही हैं कि उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उनको डिसमिस कर देना चाहिए, आपको किसी और ग्रुप ने सजा भी होनी चाहिए, उनको सजा भी होनी चाहिए, आपको किसी और ग्रुप ने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करी है, किसी ने आपको किसी भी तरीके की मदद ऑफर करी है, बोला है कि हम आपके साथ हैं, हम आपका साथ देना चाहते हैं? नहीं, मुझे सरकार से तो कोई भी मेरे साथ नहीं था ना, अभी तक आया है ना ही, मुझे तो लगता नहीं आएंगे, मगर मेरे साथ प्रधान वाल्मीकि धर्म समाज के वाल्मीकि जी दे प्रधान ने, वो मेरे नाल ने, उन्होंने मेरी बहुत मदद की है, वो मेरी मदद कर रहे ने, मैं वो मेरे नाल ने, उन्होंने डिसमिस करना चाहिए, उन्होंने सजा भी देनी चाहिए। इस वक्त मैम जो निकल के आ रहा है, पुलिस कह रही है कि जो आपके पिताजी थे उन्होंने शराब पी हुई थी और बैडली बिहेव कर रहे थे पुलिस के साथ, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो आगे पहले भी बता चुकी हूँ, अगर मेरे पिताजी ने शराब पी थी, मैंने तो शराब नहीं पी ना, उन लोगों ने मुझे छेड़छानी मेरे साथ की थी, मेरे पिता के साथ नहीं, मेरे पिता ने उनको छेड़ रोकने की कोशिश की कि आप क्यों मेरी बेटी को क्यों छेड़ रहे हो, और उन लोगों ने मेरे बाप को ही, मेरे पिताजी को ही मारने की कोशिश की, तो मेरा ब्रदर आया, उसने बोला कि तुम ऐसे नहीं मार सकते मेरे पिता को, तो उन लोगों ने मेरे ब्रदर को मेरे पिताजी की शरेआम पग सड़क दे विच रोली, फिर मैं उन्होंने बचाने की कोशिश की, पर उन्होंने मैनू ही मारना शुरू किया, उन्होंने मेरे थप्पड़ मारे, मेरे लाठी चार्ज कर लिया पे। इस वक्त जो बादल गवर्नमेंट है मैम, जो एसएडी की गवर्नमेंट है पंजाब में, वो कह रही है कि एक इंक्वायरी ऑर्डर की गई है, किसी ने आपसे बातचीत की है इस इंक्वायरी के बारे में? कोई गवर्नमेंट से आपसे बात करने आया है कि हुआ क्या? कोई नहीं आया सरकार वालों मेरे वाल, मैनू कोई ने कुछ नहीं पूछा ना, मैनू आन के पूछा कि तेरे नाल की होया है, किसी ने मेरे हालात सुन की कोशिश नहीं की। क्या मांगती हैं बादल गवर्नमेंट से इस वक्त, क्या चाहती हैं उनसे? मैं चाहती हूँ कि अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला ना, तो मैं कुछ खा के मर जाऊंगी, जहाँ भूख हड़ताल कर बैठ कर मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी पर आखिरी सांस तक लड़ूंगी, मैं इंसाफ पाके रहूंगी। देखिए, खुदकुशी तो इसका हल नहीं है, खुदकुशी तो नहीं दबाएगी, खुदकुशी तो इसका हल नहीं है, जो आप कह रही हैं कुछ खा के आप अपनी जान ले लेंगी, वो तो हल नहीं है, आपको लड़ना चाहिए। अभी आप बाहर आई हैं, अपनी आवाज उठा रही हैं, लोग आपके साथ हैं, हम आपकी सुनवाई कराएंगे, खुदकुशी तो इसका वो नहीं है ना हल? मैं लड़ूंगी आखिरी सांस तक लड़ूंगी, मैं डरने वालों में से नहीं हूं, मैं डर कर बैठ जाऊंगी। इस वक्त कौन कौन है आपके साथ? इस वक्त मेरे गांव वाले हैं और मेंबर सरपंच हैं और धर्म समाज वाल्मीकि समाज प्रधान ने मेरे नाल। बहुत औरतें देख रही हैं आपको, बहुत हिम्मत करके आप बाहर आई हैं, आवाज उठा रही हैं, ये जो पुलिस ऑफिसर हैं इनके ऊपर बहुत लोग हमसे भी जुड़ रहे हैं मैम, जो ये हम विजुअल चला रहे हैं जो आपके साथ बीता था, जो हुआ था, जैसे आपकी पिटाई की गई थी, पर जो और व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त, थोड़ा आप विस्तार में बताएंगे कि आपके साथ हुआ क्या? हुआ, मैं अपने मासी जी बेटे
ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਲਸ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨਾਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੜਕੇ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਦਾਤਰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਉਹ ਆਈ ਮੈਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੁਣੇਗੇ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣੇਗੇ ਮੈਂ ਉਨਕੇ ਪਾਸ ਗਈ ਔਰ ਮੈਨੇ ਉਨਕੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਆਪ ਇਨਕੋ ਪਕੜੋ ਤੋ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਸਭ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਛੇੜਛਾਨੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਚੁਨਰੀ ਉਤਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕਾਂਟੇ ਉਤਾਰੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨੇ ਲਗੇ आप हमारे साथ बने रहिए। मेरे पिता ने कहा जी जी आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हमारे साथ अभी जुड़ने वाली हैं जो NCW जुड़ गई हैं जो NCW की हेड हैं ममता शर्मा वो आपकी सुनवाई करा सकती हैं आपकी आवाज को अभी ऊपर लेके जा सकती हैं ममता शर्मा थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस एंड ज्वाइनिंग अस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैम लेट मी टेल यू विद अस इज ऑल्सो द विक्टिम who went through this horrific incident in Tarantaran district of Punjab. She is with us. She wants answers. She wants concrete action. Today on this platform, ma'am, we want you to come out. Mamta Sharma, what can you promise this hapless woman who is saying that she will take her life tomorrow if justice is not delivered? I have DGP ko notice serve karwaya hai. Aur dusri baat hai, main ye kehna chahti hu ki Home Minister ko tulant apna resignation dena chahiye. जो वहाँ से MP है वो भी एक वुमेन है लेडी है उनको कुछ करना चाहिए इस केस में बल्कि अगर उनसे सिर्फ वो लेडीज के वोट लेने तक ही वोट तक ही है और इनकी सिक्योरिटी के बारे में नहीं सोचती है तो उनको भी रिजाइन करना चाहिए दूसरी बात यह है कि पुलिस के खिलाफ बहुत ही स्ट्रांग एक्शन की जरूरत आ गई है जिस तरह से पुलिस इनसेंसिटिविटी Ms. Sharma, we know what needs to be done. You're pointing out exactly the details, the sequence of events which should have been followed as a standard operating procedure. But ma'am, today, we're on the same platform as this victim. She is with us at this point of time. Can you please talk to her directly and assure her that justice, in fact, will not just be promised, but it will be delivered and you will be the flag bearer of that? बात कराइए आप ये क्या कह रही हैं? आप बात सुन मैम, लेट्स गो टू द विक्टिम नाउ मैम, अगर आप हमारी बात सुन सकती हैं ममता शर्मा जी हमसे बनी हुई हैं ये NCW की हेड हैं आप इनसे डायरेक्टली कुछ पूछना चाहेंगी मांगना चाहेंगी हाँ जी पूछना चाहती हूँ मैं बोलिए मैं चाहती हूँ मैम कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हो It's a very big question, Mamata Sharma. She doesn't want details of what should be done, how the police should be tackled, how the government should decide on what to do with these errant cops. She wants just one answer, ma'am. And in today, you can deliver it to her. She says, "Aap kya kar sakti hain uske liye? What can you do for her today?" मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि मैंने नोटिस इशू कर दिया DGP को इसके अलावा मैं कह रही हूँ कि इनको इस्तीफा देना चाहिए कॉप्स के खिलाफ जो इन्होंने उनको सस्पेंड किया है दो कॉप्स को सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा जितने वहाँ ऑन ड्यूटी थे उनको सस्पेंड करें उनकी मजिस्ट्रियल इंक्वायरी हो और उसके बाद एक्शन गवर्नमेंट ले ये बहुत ज्यादा जरूरी है मैं सोचती हूँ कि जो बचाने वाला है वही लोगों को खा रहे हैं ये बहुत एक अनफॉर्चुनेट पार्ट है और 16 दिसंबर की अगर इनको देखे इंसिडेंट को उसके बाद ये होना पुलिस का एक जो गैर जिम्मेदाराना एटीट्यूड है उसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल पुलिस ने पेश किया है मैं सोचती हूँ पुलिस के खिलाफ बहुत कुछ करने की जरूरत है गवर्नमेंट को इससे बहुत ज्यादा सेंसिटिव होके पुलिस के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए At this point of time, ma'am, this woman wants to take her life. She has come on record and said if justice is not delivered in the days to come, she is ashamed with what's happened, how her father has got beaten up, disrespected. She is saying she will commit suicide. Do you want to directly say something to her at this point of time, being the NCW chief? All right, we seem to have lost the phone line with Mamata Sharma, who's the NCW chief. We will try. And re-establish that link, but she did come across saying that she will make sure that this woman's voice is heard. She is a brave lady who today has come out
and raised her voice against a system which completely lacks governance. You can see the visuals of how this girl was treated in Tarantaran district. Thodi सहमति मिलती है, थोड़ा करेज मिलता है जब आपकी बात हुई है ममता शर्मा जी से, जो एनसीडब्ल्यू की हेड हैं, कह रही हैं आपकी आवाज आगे लेके जाएंगी? हाँ जी, मिलता है, क्योंकि वो भी लेडीज है और मैं भी लेडीज, शायद वो मेरी मदद करें। हमारे साथ बने रहिए, बहुत सारे पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आ रहे हैं, आप सुन सकती हैं। वो सिर्फ आम आदमी नहीं, जो पॉलिटिकल ब्रास है वो भी आपके पीछे है, कुछ कर सकते हैं आपके लिए। लेट्स क्विकली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम प्ले द रिएक्शंस वी हैव बीन गेटिंग इन थ्रू द कोर्स ऑफ द डे, पॉलिटिकल रिएक्शंस देयर, लेट्स लिसन इन। यू हैड द वेरी सैड स्पेक्टर ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस हु वाज शॉट टू डेथ व्हेन ही वाज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हिज डॉटर फ्रॉम बीइंग ईव्टीज्ड। द people in question owed allegiance to the ruling combine. Then you had an incident in Ludhiana where a senior officer of the police was assaulted by people again owing allegiance to the ruling combine. And then you have yesterday's incident where a girl who went to complain against eve-teasing was manhandled by the police. It's a very sad reflection on the law and order in the state. And I think people of Punjab should really introspect in what direction the state. I am totally aghast by what is happening in Punjab, because Punjab always had the tradition of protecting women. They were never known to be bullies. I am surprised at the way the Punjab police is behaving, because see, we have been saying since the last 6 years that the chain of command has broken in the Punjab police. All SHOs, DSPs are being posted at the behest of the respectable MLAs and the ministers. No SHO listens to the DSPs, no DSP. Political reactions coming on the horrific incident which took place in Tarantaran district. You can see this woman get beaten up. She is with us today live on Headlines Today. Ma'am, is waqt political mudda sa ban gaya hai, agar aapko बादल गवर्नमेंट से कुछ पूछना है, कुछ मांगना है, उनसे कोई मैसेज देना है, क्या बोलना चाहेंगे? मैं उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि दिन दिन हो गया है कि मेरी बात हुई हुई, फिर वो क्यों नहीं आए, किसी ने मेरी कार्रवाई क्यों नहीं की? दो पुलिस इंस्पेक्टरों को डिसमिस करने से कुछ नहीं होता, जब ऊपर पुलिस का ही सब कुछ कर रही हो। मेरा कहना है कि सरकार ही सब कुछ कर रही है, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਕੋ ਲਗਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦੋ ਲੋਕ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਣੇ ਕੇ ਇਲਾਵਾ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਏ ਸਭ ਕੇ ਸਭ? ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਏ ਉਨਕੋ। कोई आपसे बात की है किसी ने गवर्नमेंट से, चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से किसी ने आपसे आके पूछा है क्या हुआ है? क्योंकि उनका आंसर जो आया है वो कह रहे हैं कि एक प्रोब ऑर्डर की गई है इस पूरे इंसिडेंट में। क्या इस प्रोब की तफ्तीश करने के लिए किसी ने आपसे कुछ सवाल किए हैं? कोई और पुलिस इंस्पेक्टर या कोई और पुलिस पर्सन आपसे आके बातचीत की है कि हुआ क्या एग्जैक्टली? किसी ने मेरे साथ बात नहीं की, किसी ने बैठकर मुझसे पूछा नहीं कि तुम्हारे साथ बेटा क्या हुआ है, किसी ने मुझसे कुछ नहीं पूछा, अभी तक मुझसे कुछ नहीं पूछा किसी ने। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने का।